हरियाणा की चर्चित आईपीएस भारती अरोड़ा एक बार फिर सुर्खियों में है। सूत्रों की माने तो खबर है कि भारती अरोड़ा पर सरकार की गाज फिर गिरने वाली है। उन्हें सजा के तौर पर जल्द ही स्पोर्ट्स स्कूल का प्रिंसिपल बनाया जा सकता है। हरियाणा में हुक्मरान और अफसरशाही की जंग का सुर्खियों में रहने वाला चेहरा आईपीएस भारती अरोड़ा। सूत्रों की माने तो सरकार की टेढ़ी नजर एक बार फिर आईपीएस भारती अरोड़ा पर गाज बनकर गिरने वाली है। एक बार फिर इसलिए क्योंकि दो महीने पहले ही गुड़गांव के ज्वाइंट सीपी रह चुकी भारती अरोड़ा पर एक गाज गिर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आईपीएस भारती अरोड़ा को राई के स्पोर्ट्स स्कूल का प्रिंसिपल बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की सिफारिश पर खट्टर सरकार जल्द ही ये आदेश जारी कर सकती है। इससे पहले 12 अक्टूबर को भारती अरोड़ा को गुड़गांव पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर के पद से हटाकर पंचकुला स्थित पुलिस वेलफेयर एंड ट्रेनिंग सेंटर का डीआईजी बनाकर भेजा गया था। भारती अरोड़ा अक्सर विवादों में रहने वाली दबंग आईपीएस मानी जाती है। भारती अरोड़ा की पंचकुला पोस्टिंग को भी सियासी गाज के तौर पर ही देखा जाता है। असल में रेप के एक हाई प्रोफाइल मामले की तफ्तीश के दौरान ज्वाइंट सीपी भारती अरोड़ा की कमिश्नर नवदीप विर्क के साथ भिड़ंत हो गई थी। भारती ने विर्क पर मानसिक रूप से परेशान करने और जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। इससे पहले साल 2009 में जब अनिल विज अंबाला कैंट से विधायक थे, उस वक्त भारती अरोड़ा ने एक प्रदर्शन के दौरान विज को जेल भेजा था। अब आईपीएस भारती अरोड़ा को स्पोर्ट्स स्कूल का प्रिंसिपल बनाए जाने की खबर से भारती फिर से सुर्खियों में है। मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 द विंटर्स आर अपॉन अस, टाइम टू टेक आउट योर स्वेटर जैकेट्स एंड इन माय केस कैप। इन फैक्ट माय कॉलीग रोहित हैज ऑलरेडी स्टार्टेड निटिंग। नाउ सोनी स्मार्टफोन्स, आई रियली लाइक देम, यू नो, बिकॉज़ दे हैव देयर ओन डिजाइन।